तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएम मातृ वंदना योजना के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है एज की और कौन कौन इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकता है और कितनी एज के कर सकते हैं, उसके साथ क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उस सब पर मैंने बात किया था। तो अगर वो वाली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो दोस्तों देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दोस्तों यहाँ पर आप अपना जो है किसी भी अपने घर की महिला का जो है आवेदन करना चाहते हैं तो आप कैसे यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो इसका पोर्टल है ये देख सकते हैं pmmvy.wcd.gov.in, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप जो है अपने क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद उसमें यहाँ पर आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन। तो सिंपल सा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है तो सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद उसमें नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप बोलेगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देते हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपल सा आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा ओटीपी जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम अपना ओटीपी यहाँ पर डाल लेते हैं 90 61 10, ठीक है। तो यहाँ पर ओटीपी अपना डाल लेते हैं 90 61 और 10। डालने के बाद उसमें यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो चलिए कैप्चा कोड की यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, अच्छे से फिल करना है, कोई भी यहाँ पर गलती मिस्टेक आपको नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों वहाँ पर आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है। उसके बाद तो जैसे यहाँ पर क्लिक अब हो जाएगा तब यहाँ पर आपको वैलिडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ये 15 मिनट तक वैलिडेट रहता है। एंड उसके बाद उसमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते हमारा लॉगिन हो चुका है। लोगों यहाँ पर मैंने एक बार लॉगिन किया था तो यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। और तो आप पहली बार कर रहे हैं तो दोस्तों एक बार और आपको यहाँ पर ओटीपी डालना पड़ेगा एंड उसके बाद उसमें यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये देख सकते हैं डैशबोर्ड कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा एंट्री का, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेनिफिशियल रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले व्यक्तिगत प्रोफाइल देना है, अब यहाँ पर बूझ रहा है तो यहाँ पर आपको भरना है, तो यहाँ पर आपको भरना है क्या आप लाभार्थी केंद्र राज्य सरकार है पीयूएम के कर्मचारी हैं, हाँ या फिर ना। तो ये हाँ ना में आपको उत्तर देना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी सरकारी नौकरी है तो हाँ या ना में उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो नहीं करेंगे तभी अच्छा रहेगा। उसके बाद उसको आवेदन करने के लिए पहला बच्चा अगर आपका लड़का है तो आपको पहला वाला सिलेक्ट करना है, अगर बालिका है तो दूसरा वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपका बालिका है तो दूसरा वाला सिलेक्ट करना है, अगर लड़का है तो पहला वाला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर आना है और यहाँ पर आपका एक बच्चा है तो एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, इसको कंसेंट देना है और कंसेंट देने के बाद उसमें यहाँ पर आपको अपना आधार नाम जो भी है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाँ आपको अपना आधार नाम डालना है। उसके बाद उसको आधार संख्या डालना है और उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको अपना जन्मतिथि डालना है आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी वर्ष आ जाएगी। उसके बाद कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर ST SC और अदर, यानी कि ST ST में आते हैं तो दोस्तों ये आप आपको सेलेक्ट करना है, अगर जनरल में आते हैं OBC में आते हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है किस कौन आपके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, आपके हस्बैंड कर रहे हैं या फिर स्वयं कर रहे हैं या फिर आपकी मदर कर रही हैं या फिर आपके पिता कर रहे हैं या फिर आपके मदर इन लॉ यानी कि सास कर रहे हैं या फिर फादर इन लॉ आपके पिता कर रहे हैं या फिर अदर कोई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो सेल्फ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों पात्रता मापदंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो है
एक कार्ड सरकारी जो है वो सेलेक्ट करना है। आप बहुत सारे लोगों के पास जो है मनरेगा जॉब कार्ड होता है, बहुत सारे लोगों के पास ई श्रम कार्ड होता है, और किसी के पास बीपीएल राशन कार्ड, यानी कि किसी न किसी में से आपके पास ये कार्ड जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एनएफसा का आपका पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हालांकि सभी के पास ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड सेलेक्ट कर लेगा, बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड सेलेक्ट कर, तो हमें ई श्रम कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद उसको पहचान पत्र की संख्या डालना है, यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो अपलोड करने के बाद उसको यहाँ पर MSTS RSCS पंजीकरण संख्या, आप दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में जो आपका बना हुआ कार्ड उसका पंजीकरण संख्या आपको लिख लेना है। उसके बाद पंजीकरण की तिथि उसमें दी गई होती वो यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद अंतिम महावारी तारीख आपको लिखना है, ठीक है, अंतिम। उसके बाद प्रसव पूर्व, यानी कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, जब आपकी जाँच हुई थी उसके पहले, उसके बाद में जब बच्चा हुआ था तो वो वाली डेट यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उसके बाद क्या बच्चा पैदा हुआ था वहाँ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर। उसके बाद उसको बच्चे के जन्म का वास्तविक तिथि आपको डालना है, जब बच्चा आपका पैदा हो गया था तब उसमें कौन सा दिन था, ठीक है, वो पूरा डेट डालना है। उसके बाद उसको गर्भ स्थान के पैदे हुए बच्चे की संख्या, अगर एक का है, एक पैदा हुआ तो एक डालना है, दो पैदा हुआ तो दो। उसके बाद बच्चे के जन्म स्थान का नाम डालिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या होम या फिर ट्रांसजेंडर, यानी कि घर पर हुआ है तो होम सेलेक्ट कर लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में या तो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट में हुआ तो गवर्नमेंट, तो यहाँ पर होम में हुआ तो होम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद शिशु का जन्म स्थान आपको डालना है, किस जगह पर हुआ है, पहला बच्चा पुरुष है या फिर महिला है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वर्तमान प्रथा, यहाँ पर ग्रामीण से हैं या फिर शहरी से हैं ये आपको टिक करना है, ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण टिक है ऑलरेडी, तो अगर शहरी से शहरी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसको आपको पूरा पता डालना है, और राज्य आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिला आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिलग्राम जो भी ब्लॉक है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, और फिर गांव नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है, और पिन कोड डालने के बाद उसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट फैक्चरी, यहाँ पर आपको जो है फील्ड फैक्चरी, यहाँ पर आपको जो भी आपका नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हर ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद उसमें यहाँ पर सबमिट किए करें ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक रेफरेंस कोड आएगा, जिससे आपको स्टेटस चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसे संभाल कर रखिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, तो उसके बाद आप स्टेटस चेक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसको ये जो आपका फॉर्म जाएगा वो आंगनबाड़ी आशा दीदी के पास जाएगा, वहाँ से दोस्तों आपका अप्रूव किया जाएगा, और जैसे अप्रूव किया जाएगा तो उसके बाद उसको आपके खाते में पैसे आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।